सन 78 पर जितना भी मेरा दर्शक है वन मेरो राम राम। दोस्तों आज मैं एक ही जगह पहुंची हूं कि बीज आके मेरा भी कदम रुक रहा है कि आखिर इस संसार में इस सृष्टि पर हो रही है। बता दूंगा कि मैं जट पहुंची हूं, आज जगह है सीगड़ा की एक ढाणी है जो सीगड़ा ग्राम पंचायत के नीचे आवे है। और बीजा अभी थोड़ी देर पहले मैं एक फोन आया और मैं पूछू हूँ थाने एक की घटना दिखाऊंगा कि एक 20 साल को जो बच्चो है वो काफी दिना से परेशान हो रहे है। कई जगह भी दिखाए गए है, इलाज भी कोई संभव नहीं है। इसमें भी थाने दिखाऊंगा तो मेरे जो ये वीडियो एक स्वागत है बना रहे हो। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिर जहां मैं पहुंचा हूँ वो क्या घटना है, कैसे उनके घर है, क्या है वो देखो आप। तो कैमरामैन भाई से मेरा निवेदन है कि कहां पर इनका रहन बसेरा हो रहा है, कौन सी जगह ये रह रहे हैं। और जी बच्चे की मैं बात कर रही हूँ वो आपकी मम्मी के कन खड़े है, या जो घटना है या भंवरलाल जी मेघवाल का जो घर है सिगड़ा ग्राम पंचायत के नीचे जो गाँव या डानी आ रही है बीजा की घटना है। पूछूंगा कि आखिर ये बच्चा को जो भविष्य है, ये बच्चा का जो लेख है वो यहाँ का के लेख लिख दिया कि आज ये खुद भी परेशान है और यो बच्चों भी परेशान है। राम राम जी। राम राम जी। कद से इको के नाम है बच्चा को? पंकज। तो यो कद से ये कंडीशन में है? हो गया 22-23 साल को। राम राम जी। थे के लागो का? जी मान लो कि वो 20 साल की उम्र होगी तो शुरू से ही हो गया ना? 2 वर्ष को गयो जद। तो बड़ो तो कोई जी मान लो कठे ही कोई इलाज भी थे करवाई होगी? मैं तो सगड़े मुल्क में फिर ले आग तो के बैठ गया। तो देखो ये मैंने यहाँ बता रहा है कि ये बच्चे के इलाज के लिए ये काफी जगह आने जठे जठे बताई गई बीजा बीजा यही बच्चा ने लेके पूछे है, लेकिन डॉक्टर भी बच्चा का आगे हार मान बैठा और वे भी बच्चा का आगे हार मान बैठा कि वास्तव में इको जो इलाज है वो आपकी समझ में कोनी आयो। अब इकी जो मम्मी है अन सभी थोड़ी सी बातचीत आप करेंगे। जब मान लो कि वो दिन में रोटी रोटी मत ही खा लेगी? मत को नहीं खाए लगाणो को मान ले मत हाथों लुखी खा ले लगाणो को नहीं खाए जा धर्म में। और जिया आता जाता नहीं है, कोई मेहमान आवे अन कोई परेशान करनो है क्या? ना कुछ ही कोनी करे, यहाँ तो बोल वालो बैठे रहे पण यो आग तो रहे में तो गेड़ा। अभी जो मेरा यो वीडियो जका भाई देख रहे है बन थे के कहनो चाह रहे हो? बन यही कहनो चाह रहे हो का वो इलाज हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो देखो मित्रों एक माँ की जो ममता हुए बा आई सवे की भी बच्चा को कहीं भी इलाज हो जाए। तो जितना भी भाई मेरा जो ये वीडियो देख रहे हैं वहां से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो बच्चों है वो थारे सामने खड़े है, अगर कोई भाई के पास या कोई भाई ने जगह को बेरो है कि बीजा जाने से ही पंकज को इलाज हो सके है तो निश्चित तौर पर इसकी जो पूरी सहायता है वो अपनी तरफ करेंगे आप। एक अलावा एक दो चीजा और भी जानेंगे आप ये बच्चे की। जब मान लो कि ग्राहों बारे भी जाके हो? ना रात में जी मान लो की सोनो है या थन परेशान करेगी? रात परेशान करा रात बैठे रहे तो नींद की गोली दू जना सो। तो देखो समझ में पूरी स्टोरी साफ शब्द में पड़ी है कि यो जो बच्चो है बिल्कुल या मानो कि घर का इससे कोई प्रकार की उम्मीद नहीं है कि वो अपन कोई दिन कमा के देश का अगर यो को खुद को भी अगर आपा शरीर सुधार जा या खुद वो आपके पगार पर खड़े हो जा तो इससे बड़ी जीत आपनी शायद ही कोई जीत होगी। तो एक बार फिर कैमरामैन से निवेदन है कि बच्चा को जो इसकी शक्ल है पूरा परिवार है वो आपने दर्शकान दिखाई जा, वो घर की जो कंडीशन है वह भी थारे सामने है। एक अलावा जी मान लो कि कमाई को क्या साधन है थारे? कमाई को प्राइवेट जाए कोई प्राइवेट जा रहे हैं तो जी मतलब कि देखो साफ शब्द में रखी गई बात है जी आप मकान की बोलो छपरा की कंडीशन देख रहे हैं, ये कंडीशन ने देख के आप समझ कहा कि ये परिवार पर कितनी बड़ी विपदा है। तो जितना भी भाई मेरे वीडियो देख रहे हैं जरूर निश्चित तौर पर जिया को भी
आपको उचित जे आपने यहाँ लागे कि आप परिवार की तरीके में मदद कर सका हाँ तो जरूर ये परिवार की अपन मदद करनी है। ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इन शेयर करना है के पतो आपनी एक शेयर से ये बच्चा को भविष्य चेंज हो जा। इसी के साथ ही जो ये अपनी खबर है ये ज्यादा से ज्यादा पहुँचनी चाहिए और जो भी भाई इस परिवार की मदद करना चाहता है वो अपना एसएन न्यूज 28 चैनल है इस पर जो अपने नंबर उनसे संपर्क करके इस परिवार की मदद करने की पूरी कोशिश करे। जय हिंद, जय भारत।